Hello everybody, this is PLS Chauvé and you watching me on Project Chemistry. So, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूले और क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. डिटर्मिनेशन जो आज का टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कैसे एटॉमिक वेट निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में, किसी पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक वेट कैसे निकाल सकते हैं. इसके दो मेथड हैं, ठीक है. एक है ड्यूलॉन्ग्स पेटिक्स लॉ, है ना, और दूसरा है बाय लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ. लॉ ऑफ आइसोमॉर्फ के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से ड्यूलॉन्ग पेटिक लॉ भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. आइसोमॉर्फ, आइसोमॉर्फ का क्या मतलब होता है? आइसोमॉर्फ ध्यान से देखिए तो दो टर्म से मिलकर बना है, आइसो और मॉर्फस, है ना. आइसो मतलब होता है सेम और मॉर्फस मतलब होता है सिमेट्री, जिसकी सिमेट्री या स्ट्रक्चर सेम हो. ऐसे दो मॉलिक्यूल जो होते हैं आइसोमॉर्फिक होते हैं. जैसे एग्जांपल देख लीजिए, NaCl और KCl, इनकी सिमेट्री सेम है और इनका जो स्ट्रक्चर भी है वो भी सेम है. सिमेट्री और स्ट्रक्चर एक ही चीज होता है एक्चुअली, ठीक है. अब आइसोमॉर्फ की थोड़ी सी डिफिनेशन देख लीजिए, कैसे क्रिस्टल को आइसोमॉर्फ बोला जाता है. आइसोमॉर्फ, है ना, आइसोमॉर्फ क्रिस्टल हैव सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज आयन. उनके आयन जो बनेंगे जब वो टूटेंगे तो उनके आयन जो बनेंगे उनपे मेन चीज होता है जो चार्ज है, मतलब उनकी वैलेंसी जो होगी वो सेम होगी, ठीक है. उनका चार्ज सेम होगा और स्ट्रक्चर सेम होगा. चलिए तब आगे बढ़ते हैं. कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आइसोमॉर्फिक कंपाउंड के. आइसोमॉर्फिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया है, पहला क्या हो गया है, NaCl KCl. ये देखिए मैग्नेशियम सल्फेट डॉट 7H2O, इसको एप्सम बोलते हैं. जिसको नहीं पता होगा लिख लेगा, एप्सम बोलते हैं. ये देखिए जिंक सल्फेट है और 7H2O, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं व्हाइट विथड्रॉल, व्हाइट विथड्रॉल. और इसे देखिए ये क्या है, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, इसे बोलते हैं ग्रीन विथड्रॉल, विथड्रॉल. एक अब देखिए कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसे बोलते हैं ब्लू विथड्रॉल. अच्छा, इनके नाम जो बेसिक है थोड़ा सा याद करने, कॉमन नेम कभी कभी आ जाता है छोटे मोटे एग्जाम्स में, ठीक है. तो नाम याद करने का तरीका क्या है, मैग्नीशियम से एप्सम बनता है इसलिए इसका नाम मैग्नीशियम सल्फेट है ना. एप्सम बनाने का जो फॉर्मूला है, मतलब जो कंपाउंड होते हैं उसमें, वो यही होते हैं, ठीक है. ये देखिए जिंक जो मेटल होता है, हम लोग पढ़े हैं रिएक्शन में बहुत बार कि जिंक का जब रिएक्शन कराया जाता है तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है ना, तो उस वजह से इसका व्हाइट विथड्रॉल नाम है. आयरन का अक्सर ग्रीन होता है आयरन, तो ऐसे कोरिलेट कर लेना है, ठीक है. और कॉपर सल्फेट, कॉपर तो हमेशा ब्लू कलर का ही प्रेसिपिटेट देता है या जो भी देता है रिएक्शन में, ठीक है. अब देख लीजिए एक चीज और, जैसे इसमें इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्यों कह रहे हैं सेम है, देखिए. तो Na कैसे होता है, Na प्लस जब इनको वाटर में आप लोग डालेंगे तो Na क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे ही KC प्लस और Cl माइनस, ठीक है. अब देखिए तो इनमें भी वही कंडीशन है, ये सारे जो हैं ये क्या था, मोनोवेलेंट एटम था और ये भी मोनोवेलेंट एटम है, ध्यान दीजिए आप लोग, तो ये भी मोनोवेलेंट एटम है. वैसे ही इसमें जितने भी एटम है, जितने भी मेटलिक एटम है वो सब डाइवेलेंट है. इसकी ये भी डाइवेलेंट है, ये भी डाइवेलेंट है, ये भी डाइवेलेंट है और कॉपर भी यहां पे डाइवेलेंट है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि इससे कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. अब देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे एटॉमिक वेट, जो फॉर्मूला देख लीजिए, ये तो थोड़ा सा समझने के लिए बता दिया मैंने. अब देखिए जो मेन फॉर्मूला है उस पर ध्यान देते हैं. एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला. एक और एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है एलम का. एलम का होता है कि मोनोवेलेंट एटम इंटू सल्फेट. अब हमें कैसे पता चला मोनोवेलेंट एटम ही है, देखिए सल्फेट पे दो चार्ज होता है माइनस का, है ना, और यहाँ पे दो एटम लगा पड़ा है, मतलब दो चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो एटम लगा पड़ा है, मतलब कि एक एक चार्ज इस पे प्लस होगा, है ना, प्लस एन और प्लस वन दोनों एटम पे, ठीक है. तो इससे पता चल गया ये मोनोवेलेंट एटम है, ठीक है. और ये ट्राइवेलेंट एटम है, देखिए सल्फेट पे दो चार्ज होता है, ठीक, और तीन सल्फेट है यानी छह चार्ज हो गए, तो यानी दो
मेटल मिलके छह चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, यानी ये किस पे कितना होगा प्लस थ्री। ठीक, तरीका समझिए। तो मोनोवेलेंट एटम सल्फेट होता है और ट्राइवेलेंट एटम का सल्फेट होता है, डॉट ट्वेंटी फोर एस टू ओ। और इसे बोला जाता है एलम। ठीक है, एलम का एग्जाम्पल हो गया पोटास एलम, या फिर उसी को कॉमन एलम बोला जाता है। ठीक है, अभी इसका भी फॉर्मूला बता देंगे, स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा हमने। पोटास एलम का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, डॉट 24 H2O। ठीक है, देख लीजिए ये फॉर्मूला है, पढ़ लीजिए, कुछ खास आजकल के एग्जाम्स में आता नहीं है। अगर आपको कोई डिप्लोमा वगैरह का एग्जाम देना है तो उसमें आएगा, ऐसे रटे रटाए क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पे, जिससे कि आपको डिलोंग पेटिकला बहुत अच्छे से समझ दिया जाए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था, एटॉमिक नंबर निकालने का क्या था फॉर्मूला, एटॉमिक वेट निकालने का क्या फॉर्मूला था। फॉर्मूला ये था कि इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, यही था ना। ठीक, अब एक चीज आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को ये तो बताया ना इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी बस इस टर्म को याद रखिए, अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमें क्या पता है एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट, अच्छा इक्विवेलेंट वेट दिया है इसका 24, वैलेंसी तो दिया ही नहीं। अब जरा याद कीजिए एप्सोम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एप्सोम का फॉर्मूला था MgSO4.7H2O। क्या बोला गया है, सल्फेट ऑफ अ मेटल M इज आइसोमॉर्फस विथ एप्सम, मतलब जो इसका सेंट्रल मेटल होगा उसकी जो वैलेंसी होगी वो एप्सम में जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी बराबर होगी। यहां पे मैग्नीशियम की वैलेंसी हमें पता है कि Mg की वैलेंसी कितनी होती है, Mg++। क्यों, क्योंकि सल्फेट पे माइनस के दो चार्जेस होते हैं, वाटर का न्यूट्रल कंपाउंड होता है ना। ठीक है, अब बातें ये समझना है कि वाटर न्यूट्रल होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छा बहुत जरूरी होता है जानना। तो ऐसे ही हमें पता चल गया कि ये जो मेटल होगा वो इसी फॉर्म में होगा, MgSO4 के फॉर्म में डॉट एक्स वाटर के फॉर्म में, है ना, कुछ वाटर होगा इससे जुड़ा हुआ। तो अब हमें पता चल गया कि मेटल पे भी प्लस टू के चार्जेस होंगे, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई प्लस टू। ठीक, तो यहां पे लिख दो बस प्लस टू, आई मीन टू। ठीक, वेट निकल गया 48, एटॉमिक वेट निकल गया, आसान है। अब एक चीज एक्स्ट्रा जान लेते हैं, एक्स्ट्रा क्या जानना है हमें कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी। ठीक, वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, मतलब क्या हुआ इसको देखिए ध्यान से, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, ये तो हमें पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस, अभी यहां पे मास और गैस में वेट में डिफरेंशिएट ना कीजिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, और अपॉन टू, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट दो होता है, दो हाइड्रोजन है ना, एक का एक दूसरे का दो, है ना, तो बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होगा, क्वेश्चन में क्या दे देगा आपको, वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो इनटू टू इधर ले आके कर दीजिएगा। सो गाइस, हम लोग अब पढ़ेंगे डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट बाय डुलोंग पेटिक्स लॉ। ठीक है, एक हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, इफ इक्विवेलेंट वेट एंड स्पेसिफिक हीट आर गिवेन देन एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, हमें क्या देना चाहिए, अगर हमें क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट को कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे भैया, देखिए हम लोग अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। तो यहां से हमें इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकल जाएगा। अब अप्रोक्सीमेट वैलेंसी इससे कैसे निकल जाएगी, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े ना एटॉमिक वेट, इससे पहले वाले में, ये एग्जैक्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, है ना। तो एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी,
यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट हमें मिल गया है यहाँ से, है ना, वहां से इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी मिल जाएगी, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट वैलेंसी को हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे। अच्छा कैसे आएगा ये 2.8 या फिर 2.1 या फिर 0.1 भी आ सकता है ना, तो बहुत आसान होगा राउंड ऑफ करना, है ना। राउंड ऑफ ये आएगा तो 3 कर देना, ये आएगा तो 2 ही रख लेना, ठीक है, तो बहुत आसान होगा राउंड ऑफ करना। ठीक, तो देखिए ये पता चल गया हमें, अब राउंड ऑफ कर लेंगे तो उससे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकल जाएगी। ये फॉर्मूला हमें पता ही है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। सम्स करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके चलिए, इक्विवेलेंट वेट दिया है और स्पेसिफिक हीट दिया है, हमें क्या निकालना है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट का क्या फॉर्मूला होता है, एटॉमिक वेट इसका फॉर्मूला होता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ठीक, स्पेसिफिक हीट हमें पता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट हमें पता है 0.08 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हटा दीजिए, ठीक, 8×64 80 आ जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट कितना आया, 80। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी निकाल लेंगे भैया, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी निकाले, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सब लोग, हम लोग, है ना, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कितना है इक्विवेलेंट वेट, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट क्या है हमने निकाला है 80, इक्विवेलेंट वेट क्या है 18, ठीक, क्या हो जाएगा 40/9, ठीक है। अब ये आगे कटेगा नहीं तो आ जाएगा 4.4, ठीक। अच्छा अब देखिए, ये मेरा 4.4 आया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया है, नहीं तो अगर क्वेश्चन एग्जामिनर में दिया होता या एग्जाम में होता तो आता 4.01 या फिर 4.09 ऐसे, तो आप आराम से इसे 4 बोल देते, तो ये 4.5 से कम है, ठीक है, तो हम लोग इसको 4 मान लेंगे, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट है ना, हम लोग इसे 4 मान लेंगे। ठीक, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक वेट निकाल लेंगे एग्जैक्ट वाला, ठीक, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट कितना है 18, ठीक, वैलेंसी कितनी है 4.72 आ गया, ठीक है, यह एटॉमिक वेट निकल गया, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया है, थैंक यू एवरीबॉडी, इतना आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं, ठीक है, थैंक यू।